हाँ, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो है डिटरमिनेंट। ठीक है, हम डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे मैट्रिसेस का। ऑफ कोर्स मैट्रिसेस का हम निकालेंगे तो वन बाय वन मैट्रिक्स देखेंगे, 2 बाई 2 और 3 बाई 3 का हम इस मैट्रिक्स, ये सारे मैट्रिक्स जो हैं इनका हम डिटरमिनेंट्स निकालना सीखेंगे आज। तो ये आपके बर्थडे की बुक का जो एक्सरसाइज है वो है 9.4। ठीक है, अगर ठीक है चलो हम स्टार्ट करते हैं, फिर आपको देखते हैं डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, आपको सिखाते हैं। ठीक है, अच्छा सेक्शन जो है 9.4 सही। अपन हम देखते हैं कि वन बाय वन मैट्रिक्स कैसे होता है। अब ये देखो मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट सिंबल में फर्क क्या है। फर्स्ट को ये मैट्रिसेस मैं कह रहा हूँ और दूसरा कह रहा हूँ डिटरमिनेंट। तो ये आप देख लो, ये थोड़ी बेसिक चीज़ है, अब पेपर में गलती ना करो। डिटरमिनेंट ठीक है, अब देखो सिंबल इन लोगों कैसा है इनका, ये देख लो। अब जो आपकी बर्थडे के बुक में मैट्रिक्स को इस तरह लिखा हुआ है, ज़्यादातर दूसरे बुक्स में हम ये रेक्टेंगल ब्रैकेट लिखते हैं। ठीक है, ये सिंबल क्या है मैट्रिक्स का, और डिटरमिनेंट का मतलब कि ये जो आपका ये जो पैरल दो लाइन आ रही है, ठीक है, हालांकि लग नहीं रहा है, हालांकि दो पैरल लाइन होनी चाहिए, लाइन से बन रही है। ठीक है, तो जैसे लाइक आप मोड़ बनाते लिखते हैं पैरल लाइन, तो ये है ये सिंबल जो है शो होता है डिटरमिनेंट के लिए। ठीक है, दो सिंबल समझ गया, ये जो ब्रैकेट है यारा। ठीक है, तो ये दो जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट ये मैट्रिसेस के लिए हैं, और ये जो आपके दो दो लाइन पैरेलल है मोड का, तो ये है डिटरमिनेंट के लिए। ठीक है, अब वन बाय वन मैट्रिक्स कैसे होती है वो देख लेते हैं। वन बाय वन मैट्रिक्स के साथ सबको ए, आपके पास मैट्रिक्स है फर्स्ट को A11, इसके एक ही मेंबर है, तो ये जो मैट्रिक्स है इसकी डिटरमिनेशन वन बाय वन है। इसका जो डिटरमिनेंट आएगा, ठीक है, या मोड ऑफ ए लिखो या दूसरे लफ्जों में यू आप डेल्टा लिखो। ठीक है, तो उसका जो आंसर आएगा वही आपका जो है एलिमेंट, वही आंसर आएगा, A11 आएगा। ठीक है, हम बुक का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन सेक्शन 9.4 वही है सेम। क्वेश्चन नंबर वन क्या है, ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स है और उसके जो एलिमेंट्स है -5। अब इसका मैं डिटरमिनेंट बोलूँ डेल्टा, तो उसका जो आंसर आएगा वो -5 ही रहे। ठीक है, ये जो हो गया वन बाय वन मैट्रिक्स के लिए, ये हो गया वन बाय वन मैट्रिक्स। अब आ जो अगर वन बाय सॉरी 2 बाई 2 मैट्रिक्स के लिए हम करते हैं, तो फर्स्ट को एक मैं मैट्रिक्स लिए सपोज किया वो 2 बाई 2 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो उसकी जो एंट्रीज है हम इस लिखेंगे A11 A12 A21 A22। ठीक है, ये उसके एलिमेंट्स हैं। तो 2 बाई 2 मीन्स आपके पास 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, 2 बाई 2 ये है मैट्रिक्स कौन सा है, 2 बाई 2 का है। ठीक है, इसमें कितने रोज हैं, इसमें दो टू रोज हैं, टू कॉलम्स हैं। ठीक है भाई, अच्छा अब इसका जो डिटरमिनेंट निकलेगा वो इससे निकलेगा। हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, या इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो इसको इससे लिख सकते हैं हम, यानी A11 A22 को हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप हो गया, फिर करेंगे माइनस। अब दूसरा जो माइनस करोगे किसके साथ करोगे, A21 को मल्टीप्लाई करोगे। ये मीन्स A21 को सही है A12 से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे ही है ना सही। तो इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ, यानी ए आपके पास है A12 और A21। ठीक है, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, तो आपका फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, A11 A22 को मल्टीप्लाई करो A11 A22। ये A11 का मतलब क्या है, पहली रो पहला कॉलम, A22 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 का मतलब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, अभी आप बताओ यहाँ मल्टीप्लाई करो डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा, A21 A12, ये बन गया आपका 2 बाई 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। तो फॉर्मूला क्या है, आप पहले इसको इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, देन बीच में माइनस लगा दो। ठीक है, तो हमेशा लेफ्ट से राइट चलना। ठीक है, तो चलना है किस तरह के, देखो आपको यूं लेके चलना है पहले, फिर देन आप क्या करोगे और जो है इसको यूं लेके चलोगे। मीन्स ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया और ये इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा सवाल हम लोग कर लेते हैं। अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर
थ्री है, क्वेश्चन नंबर थ्री है, हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, आपके पास ए मैट्रिक्स है, उसको टी नाम दिया है, उससे कुछ नहीं होता। ए मैट्रिक्स और टी, उससे कुछ नहीं होता। एट है, माइनस टू है, और थ्री है, माइनस फोर है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट निकलेगा, मैं डेल्टा लिख रहा हूँ, इसका जो डेल्टा है वो कैसे निकलेगा, हम क्या करें, एट को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ठीक है। एट को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 हो जाएगा, और ये माइनस साइन ये आ गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया, फॉर्मूला का माइनस, ठीक है। अब बताओ टू को हम मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से, क्या देगा, टू को थ्री से सिक्स आ गया, ठीक है। अब ये जो माइनस है, ये माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस, क्या देगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा इज इक्वल टू क्या आपके पास आ जाएगा, मतलब कितना आएगा आपके पास, आपके पास ये आ रहा है 26 आ रहा है, ठीक है, माइनस 26, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, ताकि आपको क्लियर हो जाए। माइनस साइन क्यों आ रही है, 32 ग्रेटर है, ठीक है, उसका साइन माइनस है, ठीक है। अब फोर क्वेश्चन के एस इज इक्वल टू हमारे पास है माइनस 7 माइनस 4 12 ए। अब क्या करना है पेपर में, कुछ नहीं करना, पहले डायगोनल मल्टीप्लाई करो, माइनस 7 को 8 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो, माइनस 56, ठीक है, फॉर्मूला का माइनस। मगर यहाँ पे देखो, इसको करो माइनस प्लस, अगर माइनस 4 को मल्टीप्लाई कर 12 से करता हूँ तो क्या आएगा, माइनस में आएगा वो माइनस, ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। देखो ना, ये फॉर्मूला आपके पास बीच में क्या आ रहा है, माइनस का, ठीक है, तो इस वजह से वो प्लस हो गया, ठीक है। अब करो 4 को 12 से मल्टीप्लाई करो, हमने साइन की बारी तो कर ली, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करो 48 हो जाएगा। तो आपके पास जो डिटरमिनेंट आएगा वो, अब बताओ क्या आएगा, आप करो माइनस 56 को 48 से निकालो, हाँ देखो, हाँ इसको सॉल्व करो, आपके पास 8 और आपके पास ये 8 आएगा, ठीक है, माइनस 8 आएगा, सही है, सही है। अच्छा तो ये क्लियर हो गया आपको, सही है। अब हम मैट्रिक्स देखते हैं 3x3 के लिए, ये चीज़ क्लियर हो, देखो हमेशा रखना, देखो हमेशा डायगोनल मल्टीप्लाई करना, देखो मैं अगर मैं इसको रब करता हूँ, मैंने क्या किया, पहले ये दोबारा रिवाइज करो, पहले मैं इसको इससे मल्टीप्लाई किया, क्या है 7 माइनस 7 टाइम्स 8 56, उसके बाद मैंने फॉर्मूला का माइनस लिखा। अब ये जो माइनस 4 12 आ गया, माइनस 48 और माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, तो इसलिए प्लस लिखते हैं, ठीक है। या एक सवाल और कर लेते हैं, चलो तुम समझाएंगे, एक सवाल और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपके पास, बी इज इक्वल टू 1 0 0 1, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना, तो क्या करोगे, आपको 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, ठीक है, या इसको मैं अगर मैं इससे लिखूं 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फॉर्मूला माइनस, ठीक है, और इसके बाद क्या है, ये जो डायगोनल 0 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, 1, ये फॉर्मूला का माइनस, कोई 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 1। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका डिटरमिनेंट 1 आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है, सही है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। डायगोनली हमने किया, अगर वो पुराने सवाल को अगर मैं इससे करता, मैंने डायरेक्ट किया, देखो क्या करना था, यहाँ पे 8 माइनस 4 को अलग किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस 3 और माइनस 2 को अलग मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये माइनस 4 मल्टीप्लाई 8 माइनस 32, ये जो आपके माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 6, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझिए बात, इसलिए हमने यहाँ पे मैंने प्लस लिखा है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अच्छा अब आ जाओ 3x3 के लिए सॉल्व करते हैं हम। अब हम जो देख रहे हैं मैट्रिक्स 3x3 के लिए, अगर फॉर को एक मैट्रिक्स है इफ वो 3x3 यानी a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, अगर हमें इसको पढ़ना चाहिए तो क्या ए वन कौन था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अगर मैं a22 बोलूँ फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, अगर a23 बोलूँ सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये चीज़ क्लियर हो गया, ये आपके फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, ठीक है। अब इसका जो डिटरमिनेंट है, इसका फॉर्मूला क्या है, यू लिखें या डेल्टा लिखें, एक ही बात है, इसका जो फॉर्मूला होगा हम क्या करेंगे,
A11, कैपिटल A11 सही है, प्लस A12 कैपिटल A12, तो प्लस अब दिस आ जाओ ए, देखो A11 A12 A13, अब आ जाओ A13 कैपिटल A13। अब ये जो आपके पास A11 A12 A13 आपके पास कोफैक्टर्स है, ये क्या कहना जाता है, कोफैक्टर्स, ठीक है। अब कोफैक्टर्स कैसे निकालोगे, अब आपके पास ये मैट्रिसेस हैं, वो ये मैट्रिक्स जो है सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसके जमा मैट्रिसेस है, ठीक है। अच्छा जो मैट्रिक्स है ये है 3x3, अब इसको हम तोड़ेंगे 3x3 को 2x2 में, जिससे हमने इस सवाल में पहले किया था, कहाँ गया भाई, ये जो 2x2 का जो हमने क्या कर दिया 2x2 को 1x1 में, देखो फिर ये दूसरा 1x1, फिर इसको कंबाइन किया था मैंने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ये 3x3 को 2x2 में लाएंगे। अब A11 कैसे निकालते हैं हम, A11 का मतलब क्या है, -1 की पावर क्या देगा 1+1, ठीक है। अब डिटरमिनेंट निकालना, डिटरमिनेंट किसके निकालोगे, डिटरमिनेंट हम इससे लिखते हैं मोड के साइन, किसके निकालोगे, हम क्या करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को उड़ा देंगे। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को अगर हम उड़ाते हैं तो आपके पास क्या बचता है, A22 A23 A32 A33 ऐसे बनेगा। देखो अगर मैं इसको इसको उड़ाता हूँ, नहीं A11 का मतलब फर्स्ट रो को उड़ाया और फर्स्ट कॉलम को उड़ाया, सही है। तो हमारा बचा क्या, ये इसका डिटरमिनेंट हो गया, ये चीज क्लियर हो गया, अच्छा सही है, सही है। अब ये हो गया A11, अब A12 कैसे निकालोगे, A12 कैसे निकालोगे, -1 की पावर 1+2, यानी रो 1 सेकंड कॉलम, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट निकालोगे क्या आएगा, इसका मतलब ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उड़ा दो, बचा हमारे पास क्या A21, A23, A31, A33, ऐसे ही ना, तो करते हैं A21, A23, A31, A33, आप भी बोलो ऐसी तरह, कैसे फर्स्ट रो को हमने गायब किया और फर्स्ट सेकंड कॉलम को गायब किया, क्योंकि यहाँ पे पहला रो होता है दूसरा कॉलम होता है, ठीक है। RC याद करो, RC पहले रो दूसरा कॉलम। अच्छा इसी तरह A13 कैसे निकालोगे, -1 की पावर 1+3, इसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को उड़ाओगे, तो क्या बना हमारे पास जो बना है A21 A22, और नीचे क्या है A31 A32, ये चीज क्लियर हो गया, यानी फर्स्ट रो को हमने उड़ाया और थर्ड कॉलम, ये बारी बारी पहले हमने फर्स्ट कॉलम उड़ाया, यहाँ पे सेकंड कॉलम उड़ाया, यहाँ पे थर्ड कॉलम, A11 के लिए फर्स्ट कॉलम उड़ाया, A12 के लिए सेकंड कॉलम उड़ाया, A13 के लिए थर्ड कॉलम, ठीक है। ये आ गया, और हम इस इक्वेशन पुट अप कर देंगे तो डिटरमिनेंट निकल आएगा। यहाँ पे A11 क्या है, ये पहला जो आपके फर्स्ट रो में एलिमेंट है, A12 क्या है फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट, A13 आपके फर्स्ट रो में थर्ड, A13 लिखा, ठीक है। अब ये सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, फॉर्मूला से क्लियर हो गया। अच्छा अब कोई क्वेश्चन कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है आपके पास, C = 2 4 3 -6 0 -2 10 -2 8, ठीक है ये ना। अब देखो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, मैं डेल्टा से डिनोट कर रहा हूँ। हम क्या करेंगे, आप जो है पहले 2 को फिक्स किया, ठीक है। अब जो डिटरमिनेंट निकालोगे वो किसका निकालोगे, इनका निकालोगे, ठीक है। यानी क्या करोगे, 0 -2 -2 8, सही। या डायरेक्ट करें या नहीं करना है, अगर जो डायरेक्ट नहीं करते तो हम पहले क्या करते हैं, पर यार ऐसे सीखो फिर डायरेक्ट बांध में करते हैं, ठीक है। पहले आप क्या निकालो, A11 सवाल है, A11 क्या है, -1 की पावर 1+1, डिटरमिनेंट क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को उड़ाओ, क्या आ गया आपके पास 0 -2 -2 8, ठीक है। अब बताओ -1 की पावर क्या हो गया, 2, क्यों पावर इवन, ये चीज क्या है इवन है, तो उसका जो आंसर आएगा वो 1 ही आएगा, पॉजिटिव 1, ठीक है। अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अब इसको डायरेक्ट 0 को 8 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले का माइनस, अब ये इसको इससे मल्टीप्लाई करो डायगोनली, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो +4 आएगा, ठीक है।
अब ठीक है प्लस फोर में ऐड किया तो जीरो माइनस फोर इज माइनस फोर आ गया, सही है। अब इसी तरह आपके निकालो ए वन टू, ए वन टू मीन्स माइनस वन की पावर वन प्लस टू, सही है। अब क्या करो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को उड़ा दो, ठीक है। अब आपके क्या बचेगा, फोर माइनस टू थ्री ए। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या ये बन रहा है, सही है। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट क्या है, डायगोनल निकालना है। अब माइनस वन की पावर जो है, माइनस वन की पावर जो है वन प्लस टू में थ्री, थ्री आपके पास क्या है और, थ्री आपके पास और है तो उसका जो आंसर आएगा माइनस वन आएगा, तो माइनस वन लिख दिया हमने, ठीक है। अब आ जाओ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब फोर को मल्टीप्लाई करो एट से, क्या आएगा फोर एट जो 32, फॉर्मूला का माइनस। अब देखो थ्री को मल्टीप्लाई करो माइनस टू से, माइनस सिक्स, और माइनस सिक्स और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, बाहर का माइनस 32 प्लस सिक्स क्या आ जाएगा, माइनस 38 आ जाएगा। इसी तरह आप निकालो ए वन थ्री, ए वन थ्री आपके पास माइनस वन की पावर वन प्लस थ्री, ठीक है। आप फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम उड़ा दो, क्या फोर जीरो थ्री माइनस टू आ गया, ठीक है। फोर जीरो थ्री माइनस टू आ गया, ठीक है। अब माइनस वन की पावर क्या है आपके पास, तो माइनस वन की पावर जो है आपके पास आ गई है वन प्लस थ्री इज फोर, माइनस वन की पावर फोर, फोर क्या इवन है, जब भी इवन है तो वन आएगा, ठीक है, वन लिख दिया। अब फोर को मल्टीप्लाई करो माइनस टू से, क्या होगा माइनस एट। तो अब ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं है, वन को जिससे मल्टीप्लाई करो वन आता है, यहाँ ब्रैकेट में माइनस वन था इससे पहले, ठीक है। फोर को मल्टीप्लाई करो माइनस टू से, क्या माइनस हो गया, फॉर्मूला का माइनस थ्री टाइम्स जीरो क्या जीरो हो जाएगा, तो एट माइनस एट माइनस जीरो क्या माइनस एट हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका डिटरमिनेंट जो निकलेगा वो क्या फॉर्मूला है, पहला क्या टू टू टाइम्स ऑफ माइनस फोर, ठीक है, प्लस अब आएगा सेकेंड है माइनस सिक्स, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ माइनस सिक्स टाइम्स ऑफ ये माइनस 38, ठीक है, प्लस अब क्या करोगे, ये थर्ड की बात करोगे 10 टाइम्स ऑफ माइनस 8, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई आपको, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। इसको तुम आगे सॉल्व क्या करोगे, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस ए, ये माइनस है ना, पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट प्लस लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, सिक्स एट जा 48, फोर कैरी 18, 19, 20, 21, 22, यानी टू टू एट आ गया, ये आ गया माइनस 10 टाइम्स 8 इज 80 आ गया, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया, सही है। अब इसको मजीद तुम सॉल्व कर देना, फाइनल आंसर क्या होगा, देखो टू टू एट, ठीक है, और ये माइनस एट माइनस 80 क्या हो जाएगा, माइनस 88, ठीक है, माइनस 88, तो ये आपके जीरो हो गया। आप ये करो ये आपका 12 माइनस 8 इज 4, ठीक है, 140, यानी 140 इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया, प्लस के साइन बाहर ही है, ठीक है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा अब पेपर में क्या करना है, ये स्टेप की जरूरत नहीं, ये जो आपके पास है क्या कहते हैं, ये स्टेप की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट तुम चाहो तो पहले वन आएगा, फिर दूसरा माइनस वन आएगा, फिर प्लस आएगा, दरमियान वाली जो है वो नेगेटिव होगा। चलो एक हल्का सा बता दो, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या है, B इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 7 माइनस 3, 0 12, 10 माइनस 1 A, ठीक है। अब पेपर में क्या करोगे, जो A11 A12 देखो, अब डायरेक्ट करना है, A11 के लिए क्या करना है, आप इसको पकड़ना है, ठीक, क्या है 0 माइनस 1 डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट जीरो को एट से मल्टीप्लाई करो, यानी इसको इससे, इसको इससे, ठीक है, ठीक है। तो क्या करो, जीरो को एट से जीरो, ये जो फॉर्मूला का माइनस, मगर ये माइनस प्लस है, 12 12, ठीक है, तो क्या है माइनस 12। अब डायरेक्ट, अब ए वन टू पेपर में ये है, मेरे को ए वन टू का मतलब क्या है, ये आएगा और ये आएगा, इसको भूल जाओ, ठीक है। अब क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, अब देखो फॉर्मूला का माइनस आ गया, ठीक है, क्योंकि वन प्लस टू थ्री आपको पावर क्या है ऑड आ रहा है, तो ये माइनस आ गया, माइनस टू को एट से मल्टीप्लाई करो, क्या माइनस क्या है 16,
ये फॉर्मूला का माइनस, और ये क्यों ये माइनस है, ये क्या देगा प्लस देगा, 7 1 7 तो क्या आपके पास आ रहा है 9 आ रहा है। ठीक है ठीक है, अच्छा सही है, ये चीज क्लियर हो गया। अच्छा अब इसी तरह A13 बताओ कैसे निकालोगे। A13 अब ये प्लस आएगा ठीक है, ब्रैकेट की जरूरत नहीं। अब डायरेक्ट क्या करो, ये चीज अब क्या ये उड़ जाएगी। अब ये इस चीज का डिटरमिनेंट है, यानी -2 को 12 से मल्टीप्लाई करो क्या देगा 24, फॉर्मूला का माइनस 0 को 7 से मल्टीप्लाई करो 0 तो क्या देगा -24। ठीक है ये चीज क्लियर हो गया, सही है ये जहाँ चीज। अब इसको फॉर्मूला पुट अप कर दो, क्या कौन सा फॉर्मूला हमारे पास है डिटरमिनेंट का, A11 ठीक है कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13। ठीक है ये चीज क्लियर हो गया। अगर आप लोगों को ये इस तरह नहीं करना तो इसी सवाल को ये भी कर सकता हूँ, आप पेपर में डायरेक्ट डायरेक्ट अगर चारों आंसर क्या करना है 4 को मल्टीप्लाई कर दो इस तरह का, क्या कहते हैं इसको कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उड़ा दिया तो 0 को 8 से करो 0, ये माइनस और ये फॉर्मूला का माइनस, बीच में माइनस आता है माइनस माइनस प्लस 12 बदल दो, ये क्या लिखा था मैंने 12 12 12 12। ठीक है अब यह फॉर्मूला का माइनस, अब यहाँ पे क्या होगा 3, तो माइनस 3 लिख दिया हमने। ठीक है अब डायरेक्ट क्या करो, इसको भूल जाओ इसको इससे करो। अभी देखो थोड़ा कन्फ्यू हो गया साफ सुथरे, अब नया सवाल कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है पेपर में तुम इस तरह भी कर लेना, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, डी इज इक्वल टू ओके 1 -2 4 -2 10 -8 आपके पास 8 -5 12। ठीक है ना, अब पेपर में यार इसको थोड़ा कर दो सही है या ये। अब पेपर में डायरेक्ट कैसे निकालोगे डिटरमिनेंट ऑफ डी, ये डेल्टा आपके पास क्या डिटरमिनेंट है ना मोड ऑफ डी, वो कैसे निकालोगे, 1 को पहले पिक किया ठीक है ब्रैकेट डाला फॉर्मूला का माइनस, अब ये -2 तो है मगर फॉर्मूला का माइनस और ये बीच वाला क्या है -2 -2 लिख दिया मैंने। ठीक है अब ब्रैकेट फॉर्मूला का ब्रैकेट सॉरी फॉर्मूला, हाँ तो 2 ब्रैकेट डाला है बीच में माइनस आ गया। ठीक है अब प्लस आगे साइन तो क्या है थर्ड में 8 है, 8 को रखा ब्रैकेट डाला ठीक है ये आ गया बीच में फॉर्मूला माइनस। ठीक है एक ही होगी तरीका, एक और तरीका चौथा तरीका है आसान तरीका है इससे भी कर सकते हो। ठीक है अब क्या करना है, अब हमें इसके लिए पहले के लिए पहले रो पहले कॉलम को बुलाऊंगा तो क्या है 10 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 120 माइनस, अब माइनस माइनस प्लस हो गया 5 8 40 आ गया। अच्छा अब यहाँ जाओ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उड़ा दो, -2 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे फिर -5 को 4 से ऐसे ही ना, यही क्या करोगे -2 को 12 से क्या देगा -24। ठीक है और -5 को 4 से मिला -20 ठीक है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है मैंने क्या किया इसको इससे मल्टीप्लाई किया उसको इससे क्या मल्टीप्लाई, ठीक है ये चीज़ क्लियर हो गया। अब यहाँ थर्ड के लिए आ जाओ, थर्ड के लिए क्या करना है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम उड़ा देना तो हम बचा क्या -2 10 4 -8 ऐसे ही ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो इसको इससे करो, यानी -2 को मल्टीप्लाई करो 8 से क्या होगा +16 माइनस माइनस प्लस होता है फॉर्मूला का -10 4 40। ठीक है अब आपके पास चॉइस है पेपर में किस तरह करना सही है, इसको आगे मजीद फर्दर सॉल्व कर लेना ठीक है, और आप प्रैक्टिस करना ठीक है डिटरमिनेंट्स के, और अगर कोई मुश्किल हो डिटरमिनेंट्स निकालने में तो मैं बताना ठीक है, तो ये आप और कमेंट्स में लिख लेना। ये चीज़ का आपको मैं 3 तरीके से बता दिया, एक तो ये है कि डायरेक्ट इसको सॉल्व करना ठीक है सही है, और ये है कि एक और तरीका जो है मैंने इस तरीके से बताया सही है, ये फॉर्मूला जो है आपके पास ये अलग फॉर्मूला है ठीक है अलग अलग करके कर लेना। और ये एक हाँ सेकंड में क्या -1 की पावर हटा दी, मैंने क्या एक बार प्लस एक बार माइनस फिर दोबारा प्लस, यानी प्लस माइनस प्लस ये हो गया। तीसरा क्या है वो साथ साथ ये लिखते हो ठीक है, वजह बताने का मकसद क्या है आगे आपको ये भी सिखा दीजिए डिटरमिनेंट के साथ को फैक्टर्स कैसे निकालते हैं सही। ये क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स, आप खुद से प्रैक्टिस अभी करो कुछ सवाल्स तो क्वेश्चंस देन के आपको पता चलेगा डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं ठीक है। ठीक है और आपकी वीडियो को अच्छी लगी है तो शेयर करना अपने दोस्तों को ठीक है, और थैंक यू आप लोग हेल्प का, और आप ये चैनल को वॉच करते हो और शेयर करते भी हो तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।